लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ब्रजेश पाठक, यूपी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। ब्रजेश पाठक, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो अन्याय किया उसका पश्चाताप करें। ब्रजेश पाठक पिछली बार भी किनारे किनारे यात्रा में निकले थे, इस बार भी पतली गली से निकलेंगे। ब्रजेश पाठक जिन विधायकों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ उठाया उनका आभार व्यक्त करते हैं। ब्रजेश पाठक, भगवान राम का समर्थन करने वाले विधायकों के घर में सुख संपत्ति आए। अब जैसे ही पता चलेगा हम बताएंगे। सर, सपा के चौथा विधायकों ने कल धन्यवाद। देखिए, उन जिन विधायकों ने प्रस्ताव के समर्थन में हाथ उठाए हैं हम उनका आभार प्रकट करते हैं और अपने पूज्य आराध्य प्रभु रामलला के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके घरों में, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए और कष्टों का नाश। जिन्होंने विरोध किया है सर, क्या कहेंगे? उनका नाम सार्वजनिक करने की बात हो रही है सदन में, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। देखिए, अध्यक्ष जी करेंगे तो काम। ठीक है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।